दे सारे इतिहास पावे फूल वेखो सिख कौम जैसा इतिहास कोई होना नहीं। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दोस्तों मैं हाँ जरमनजीत सिंह तो लैके हाजिर अज का दिन सिख इतिहास के। दोस्तों अज के दिन यानी कि 8 मार्च 1853 वाले दिन सिख राज के आखिरी महाराजा दलीप सिंह नू बैप्टाइज करके ईसाई बना दिता गया सी। महाराजा दलीप सिंह नू गद्दी तो लाउण तो पहला उसकी माँ महाराणी जिंदा नू कैद करके हिंदुस्तान नू जलावतन किया जा चुका सी। हुण महाराजा दलीप सिंह नू भी पंजाब विचों कढ के हिंदुस्तान भेजन का हुक्म कर दिता गया सी। सफर करते करते वह 17 फरवरी 1850 नू फतेहगढ़ पहुँचे। महाराजा दलीप सिंह नू इत्थे पहुँचन तो बाद उसके सारे सिख अते पंजाबी सेवादार हटा दिते गए। हुण उसके साथी उसका उस्ताद डॉक्टर लोगन, उसकी घरवाली लेडी लॉगन, एक हिंदू और एक ईसाई बनिया भजन लाल और कुछ गोरे नौकर सन, यानी कि उसनू सिखी और पंजाबी माहौल तो पूरी तरह दूर कर दिया गया सी। ईसाई बनाने वेले इस माहौल में 11.5 साल का दलीप सिंह बहुत ही देर ना बच सकिया और सिर्फ 3 साल के अंदर ही उस सिखी नू छड्ड के ईसाइयों वांग जीण लग पिया। दसिया जाता है कि 1853 के शुरू होंदिया ही महाराजा दलीप सिंह ईसाई बन की ख्वाहिश जाहिर की। 18 मार्च 1853 दिन उसनू बैप्टाइज़ करके ईसाई बना दिता गया। उस वेले महाराजा दलीप सिंह की उम्र 14 साल 6 महीने सी। सो फिलहाल अज्ज दे सिख इतिहास दे विच इन्ना ही। होर देश ते विदेश दी गतिविधियां लई तुसी देखते रहो चकदे टीवी। इस तों इलावा तुसी साडे फेसबुक पेज, ट्विटर ते वट्सएप जरिए भी साडे नाल जुड़ सकते हो। अते हुण तुसी चकदे टीवी लाइव देख सकते अपने एंड्रॉयड फोन उत्ते, यानी कि चकदे टीवी ऐप दे राहीं। धन्यवाद।